विपक्षी गठबंधन में बसपा के शामिल होने को लेकर मची उठा पटक को बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन पर पटखनी दे दी है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न केवल गठबंधन से किनारा करने का ऐलान किया बल्कि बीजेपी और विपक्ष पर बराबर हमला भी किया। हालांकि मायावती ने इस दौरान एनडीए और इंडिया दोनों के लिए एक खिड़की भी खुली छोड़ रखी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में बसपा के शामिल होने और न होने को लेकर तमाम चर्चाएं चली। यूपी में कांग्रेस बसपा को गठबंधन का हिस्सा बनाने पर जोर देती रही तो वहीं अखिलेश यादव इसे किनारा करते रहे। इसको लेकर अखिलेश यादव और मायावती के बीच वार पलटवार भी देखने को मिला। उसके बाद भी उलझने बनी रही कि बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या फिर नहीं। सोमवार को यूपी की सियासत में बीएसपी को लेकर बरकरार इस संशय को खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने खत्म कर दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला भी बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर जो कुछ भी कहा है वो लंबे समय तक सियासी गलियारों में भूचाल मचाने वाला है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इस दौरान मायावती सरकार और विपक्ष पर हमला बोलती हुई देखी गई। गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया लेकिन भविष्य के लिए एक खिड़की भी खुली छोड़ दी है। किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। बसपा मुखिया के आखिरी स्टेटमेंट पर अगर गौर करें तो साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा या विपक्ष को समर्थन की जरूरत पड़ी तो मायावती हाजिर रहेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मायावती किंग मेकर की भूमिका में आएंगी, तो इसके लिए उनकी शर्तें क्या होंगी ये देखना काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।